subscribe to our channel now and press the bell icon and never miss any updates. आज मैं आपको सिखाऊंगी बिना मेहनत के शीघ्रता से श्रीखंड बनाना। उसके लिए मैंने 1 किलो दूध का ये ताज़ा दही जमाया है। इसको मैं 1 से 2 घंटे के लिए पानी निकलने तक के लिए कपड़े में बांधकर लटका दूँगी। चलनी लेंगे और उस पर एक कॉटन का कपड़ा लगाकर दही को उसमें पानी निकालने के लिए डाल देंगे। हालांकि दही में पानी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन श्रीखंड के लिए हमें बिल्कुल सूखा दही चाहिए होता है, इसलिए इसका पानी निकालना आवश्यक है। कपड़े की गांठ बांधकर हल्के हाथों से इस तरह से उसका सारा पानी जितना निकाल सकते हैं दबाकर निकाल देंगे। और फिर गांठ बांधकर इसको 2 घंटे के लिए किसी खूंटी या नल पर लटका देंगे। अब हमारा दही बिल्कुल पानी निकल के और इस तरह से सूख गया है। इसको हम एक प्याले में निकाल लेते हैं। हमने शक्कर लिए, थोड़ी सी केसर लिए और 8-10 लिए हमने इलायची। इनको हम एक छोटे मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं और शक्कर को बारीक कर लेते हैं। हमारी पिस गई है और इसको हम एक चलनी से छान लेते हैं, क्योंकि इसमें इलायची मैंने छिलके सहित ही पीस ली थी, तो वो छिलकों का जो भी टुस होगा वो छानने से बाहर हो जाएगा और हमारे श्रीखंड बनाने में स्वाद के अंदर नहीं आएगा। अब हमें करना ये है कि 1 चम्मच दही का और ये 2 चम्मच हमने दही के डाले और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें पीसी हुई हमारी शक्कर। और मिक्सी को हम चलाएंगे कुछ इस तरह से, रेगुलर नहीं चलाना है, सिर्फ हमें शुरू करना है और बंद करना है। फिर हम इसमें अपना दही और शक्कर डालेंगे। ये 2 चम्मच हमने दही डाला, और 2 चम्मच डाला हमने शक्कर। मिक्सी हमको रेगुलर नहीं चलानी है, नहीं तो हमारे दही से मक्खन निकल जाएगा। फिर हमने इसमें 2 चम्मच दही डाला और 2 चम्मच डाली हमने शक्कर।
और डालिए एक चम्मच शक्कर। शक्कर आप मीठे के अनुसार काम में ले सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाना है बाजार जैसा तो आप ज़्यादा शक्कर का यूज़ कर लें, कम मीठा खाते हैं तो आप नॉर्मल शक्कर काम लें। और इस तरह ही हम दो चम्मच दही और एक दो चम्मच पिसी हुई शक्कर डालते हुए अपने श्रीखंड को बनाते हैं। एक बार खोल के हम देख लेते हैं और दही को एक साथ करके फिर पीस लेते हैं। कर लेते हैं कि हमारा एक सार हो गया या नहीं, लगभग तैयार है। एक दो बार और चलाएंगे तैयार हो जाए, बिल्कुल तैयार है। इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। ये मैंने एक बाउल शक्कर लिया था जिसमें मेरे दो बाउल बनके तैयार हुए थे पिसने के बाद, और एक बाउल में से भी मेरी इतनी शक्कर शेष बच गई है। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाते हैं, उसी अनुसार आप मीठा डालें। अब हम सर्व करने के लिए छोटे बाउल्स या इस तरह की छोटी मटकियाँ जो भी हो, जिसमें भी आपको अच्छा लगता हो खाना और खिलाना, उसमें इनको करके दो तीन घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें।